मध्य प्रदेश में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि प्रदेश के जिन जिलों में डेंगू का संक्रमण है वहां सतर्कता बरती जा रही है। नगर निगम, नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर दस्तक देकर डेंगू के लार्वा नष्ट कर रही है और इसके अलावा अस्पतालों में भी इलाज की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को भी मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। डेंगू के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल समीक्षा बैठक भी की थी और उसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जिले के कलेक्टरों से भी बातचीत की थी। जो मध्य प्रदेश में जिन जिलों में डेंगू के केस निकले हैं उसमें 7 जिले प्रभावित हैं। उसमें मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, इंदौर, जबलपुर, वहाँ सर्वे की टीमें बनाई गई हैं और घर घर सर्वे किया जा रहा है। जो लार्वा है उस लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर भी मिल रहा है इसमें नगर निगम की, नगर पालिकाओं की और स्वास्थ्य विभाग की टीमें काम कर रही हैं और लार्वा को नष्ट करने के लिए जो दवाई है उसका भी उपयोग किया जा रहा है। वहाँ की फॉगिंग की जा रही है। अस्पतालों में भी 10-10 बेड जिला अस्पतालों में आरक्षित किए गए हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ में सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में 18 प्लस के जितने पात्र हमारे नागरिक हैं उन सबके लिए वैक्सीन लगा रही है। और आप जैसा कि आपको जानकारी है कि मध्य प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा डोजेज हम लोग लगा चुके हैं, जिसमें 4 करोड़ से अधिक फर्स्ट डोज लग चुके हैं, 95 लाख करीब सेकंड डोज लग चुके हैं। 2 बार हम लोगों ने महाअभियान चलाया है। अब फिर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर फिर हम लोग एक महाअभियान चला रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे पात्र नागरिक हैं जिनको की वैक्सीन लगना चाहिए वो प्रथम डोज भी लगवा सकें और सेकेंड डोज।